नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज एक नए ब्लॉग के साथ। मैं आज बना रहा हूँ स्पेशल मटन। देखो कैसे बनाता हूँ। खाली कह रहे हैं मटन नहीं बन रहा इनका, मतलब मटन ही बन रहा है। इनकी रेसिपी देखने के लिए आपको आज हम इनवाइट कर रहे हैं यहाँ पर, आप भी मतलब आ सकते हैं आप भी आ सकते हैं वहां और क्लास खा में। सकते हैं। और मैं इनकी असिस्टेंट हूँ जो इनको देते रहूंगी प्याज और वो पीस के, मतलब वो चीजें करके मैं इनको देते रहूंगी। तो आप भी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। तो जो मैं इनके असिस्टेंट हूँ ना, इनके मीट बनाने की जो भी सामान होती है वो मैंने यहाँ पर निकाल के रख दिया है। इसमें मैंने ग्राइंड किया है प्याज और टमाटर, तो ये हो गया इनका खड़ा मसाला, गार्लिक पेस्ट और इसको क्या बोलते हैं, मटन मसाला। मटन मसाला, और ये है इनका मटन। दोस्तों मैं आज मटन बहुत कम लाया था क्योंकि मैंने अकेले खाना है। दो ये चाप है, मेरे को तो बहुत डर के टेस्टी डर होता है चाप का, और दो पीस चाप है जी। चाप के होते हैं ये, इससे क्या कहते हैं ये जो ये वाला ये होता दो है। पीस कलेजी लाया, और ये थोड़ी सी चर्बी है, वैसे हम मोटे नहीं है तो ये खा सकते हैं, और ये थोड़ा बोनलेस तो मांस इन्होंने ले खुद लिया के लिए है। बनाना है बस, हो गया क्योंकि मैंने तो अपने लिए ऑलरेडी पनीर बना लिया है तो मैं वही खाऊंगी। ये लो अब डालेंगे ये तेल। देखो थोड़ा चर्बीदार मीट होने के कारण हम इसमें तेल बहुत कम मात्रा में डालेंगे, बस सफिशेंट है। हाँ जी है, इनका स्पेशल मटर बनाया तो पूरा का पूरा लहसुन ऐसे ही डालने हैं तो अच्छा है, वैसे मेरे को छिलना भी नहीं पड़ा। अच्छा जा रहा है स्पेशल मटन। अब तेल गरम हो चुका है, सबसे पहले हम डालते हैं तेज पत्ता, और ये है खड़ा मसाला। मैं दिखा दे रहा इसमें हूँ, बहुत सारी चीजें हैं, जीरा है और क्या कहते हैं इसको, जीरा है और काली मिर्च, काली मिर्च है, इलायची इलायची है, और ये क्या है, लौंग है, और ये वो, बड़ी इलायची है, और ये तेज पत्ता है। ये तेज पत्ता है। अब तेल गर्म हो चुका है, धुआं छोड़ रहा है, तो हमने क्या डाला, थोड़ा सा खड़ा मसाला जनरली डाल रहा हूँ मैं दोस्तों सब। तो ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और लड़कों का खाना बनाना यही होता है, जरा देखो इधर उधर उछल के ज्यादा जाएगा। मेरा तो इतना साफ रहता है ना, मैं खाना बनाती हूँ। प्याज ये डाल दिया हमने प्याज, और टमाटर भी डाल दिया, लेकिन यहाँ फोन को मेरे को रखने में ना बड़ी प्रॉब्लम हो रही क्योंकि ऐसे छींटे पड़ रहे हैं ना बताने। थोड़ा तेल में पकाया दिया जाता है, और इसके बाद इसको तो ये थोड़ा है, सा तो धो देते हैं, इसको थोड़ा गंदगी होगी इसमें तो ये बाहर हो जाएगी। जोर से बोलो, क्या आवाज नहीं आ रही। इसको धो दे रहा हूँ मैं। चुके हैं, वैसे भी मैं ताजा अभी कटा हुआ मटन लेके आया था। ये दो चर्बी है, ये जल रहा था तो हम इसको थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। और आज इनका बन रहा है पहाड़ी स्पेशल मटन, बन रहा है पहाड़ी स्टाइल में, तो पहाड़ में तो ऐसे ही बनता है। अब ये बनता दोस्तों। अब इसमें एक हम और इसमें आप क्या ऐड किया जा रहा है, देखो एक एक लहसुन ऐसे ही डाल देते हैं। पूरा का पूरा लहसुन इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने थोड़ा सा मसाले, तो मसाले इनके हमें क्या जाना मैं ऐड करूंगी। कितना डाल, इतना है, एक कटोरा चाहिए, ज्यादा कम वाला करूं, इतना थोड़ा हो जाएगी। ये देखो इतना नमक के बाद थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये जीरा है, ये हाँ जीरा पाउडर, और ये थोड़ा हल्दी, हल्दी, और और थोड़ा ये सा ये है कलर डालने के लिए हमने कश्मीरी मिर्च। कश्मीरी मिर्ची डाल दिया। बस मसाले तो इसमें ऐड कर दिए हैं अभी दोनों। मसाले मैं पहले, कुछ स्पेशल बन रहा है तो मैं थोड़ा सा पहले डालता हूँ, थोड़ा डालेंगे बाद में, थोड़ा बाद में डाला जाएगा। तो मसाला इसमें मतलब आप जो मीट मसाला होता है उसको पहले भी ऐड कर सकते हो, बाद में भी ऐड कर सकते हो। बिल्कुल, तभी तो मेरा स्पेशल है, मैं पहले ऐड करता हूँ, ये पहले ऐड करते तो इनका स्पेशल स्पेशल बन रहा मटन बन रहा। है, बन के तैयार हो चुका है।
तो यह है इनका मसाला जो बन के तैयार हो चुका है। अब इसमें हम मटन मिक्स कर देते हैं। ये है डाल दी इन्होंने चर्बी। बोनलेस पीस किसी में नहीं है क्या? बोन है तो सी एक में देखने को दिख रही। आज मैंने पहली बार इतने करीब से मीट को देखा, वरना मैं कभी देखती नहीं। एक चाप, इसको नहीं खाया तो कुछ क्या खाया? बोनलेस कलेजी, कलेजी बोनलेस कलेजी बोन विद बोन चाप विद बोन। चारबा तो चले गया इसमें पूरा इनका मटन। देखो थोड़ा सा इसको हिला देते हैं और इसके बाद देखो दोस्तों थोड़ा सा इसमें मैं वैसे ही ढक्कन रख देता हूँ जब तक ये पानी ना छोड़े, तब तक इसमें ढक्कन रख देता हूँ। और जब पानी छोड़ देगा तो उसके बाद कुकर का हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसमें सीटी मारेंगे, फिर सीटी मारेंगे। तो ये इनका बनना है पहाड़ी स्टाइल में मटन। और आज पहली बार आपने इनको बहुत ज़्यादा बोलते हुए भी सुना होगा, आजकल सीख लिया है वैसे मेरे साथ रहते रहते बोलना। मेरी संगत का असर हो रहा है आजकल दोस्तों, संगत का असर, मेरे साथ रह के सीख गए हैं बोलना। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आपकी पत्नी मीट नहीं खाती है तो आपको बर्तन धोने ही पड़ेंगे। तो ये बर्तन धोने पड़ेंगे और आसपास के जो बर्तन होंगे वो दूर होने चाहिए, तो इस बात का खास आप ध्यान रखना। देखो इसमें पानी छोड़ दिया है थोड़ा, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं अपने स्वादानुसार। पानी स्वादानुसार नहीं, आवश्यकता अनुसार ऐड किया जाता है। बस हमें ज्यादा आवश्यकता नहीं, तो पानी इन्होंने ऐड कर दिया। अब लगाएंगे इस पर ढक्कन और आने दो सीटियां। अब इसमें दो चार सीटी आने के बाद 15 मिनट निकाल दिया जाएगा। तो आप पहाड़ी स्पेशल मटन खाने के लिए तैयार हो जाओ, खाने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ बदबू से, क्योंकि मैं कभी खाती नहीं हूँ ना, पर इनको खाने से नहीं रोकती हूँ मैं, खाने देती हूँ मैं। तो दोस्तों अब घड़ी आ चुकी है खाने की, खड़ी आ चुकी है खाने की इनकी। इनका मीट बहुत फेवरेट है, देखते हैं दिखाते हूँ आपको कैसा बना है। तो ये बन चुका है इनका, थोड़ा सा इसमें मीट मसाला ऐड कर दिया इन्होंने, मीट मसाला। बस इनका बन गया खाना, इनका रेडी हो चुका है। दिखाती हूँ ये इसका जो था, इसलिए तो पूरा आपका हड्डी से मांस पूरा निकल चुका है। तो इनका बन चुका है खाना, अब है परोसने की बारी। मैं गरम कर लूं। और ये है मेरा वाला खाना जो मैंने अपने लिए बना रखा है। इसकी रेसिपी ना मैंने सॉर्ट जो सॉर्ट से बनाते हैं उसमें डाल रखी है, पर ना आज मैंने पहली टाइम बनाया मतलब पनीर, और वो भी इनसे ही सीखा था मैंने, तो इन्हीं की ट्रिक मैंने आजमाई है, लेकिन थोड़ा अलग बना रखा है। मतलब मेरा मुझे लग रहा है ज़्यादा टेस्टी होगा इनके कंपैरिजन में। तो आज मैंने पहली बार मीट बनाया जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो पहले मैंने कभी नहीं बनाया था, और शादी के बाद जितने भी बार बनाए या तो इन्होंने बनाया यहाँ या फिर घर में बनाया पापा ने। नहीं एक दिन मैंने बनाया था शायद, मैं हाँ एक दिन शायद मैंने बनाया था पालक पनीर, पर वो बहुत गंदा बना था मेरे से, पर आज बहुत अच्छा बना हुआ है क्योंकि आज मैंने इनसे सीखा हुआ है। तो ये तो इसको मैं गर्म कर रही हूँ क्योंकि मैंने इनके बनने से पहले अपना बना लिया था, और ये गर्म हो चुका है। और ये है हमारे चावल जो मैंने पहले ही बना लिए थे। तो अब है सर्व करने की बारी। तो ये इनका तैयार हो रहा है, मतलब हमारा ब्रंच तैयार हो रहा है आज। तो हमने संडे के दिन हम लंच नहीं करते हैं, सॉरी ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, सीधे ब्रंच करते हैं दोनों मिक्स करके। बहुत कम बनाता हूं। तो ये है इनका, और इनके जाने के बाद मेरा मैं अपना बना अपनी थाली तैयार करती हूँ क्योंकि दोनों खाने वाले नहीं है ना, ये है मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो ये है मेरी थाली जो मैं बना रही हूँ अपने लिए। तो खाना तो अब हमारा हो चुका है रेडी, और हम लोग खा रहे हैं इसको।
और यहाँ इनका पहले से स्टार्ट हो चुका है अपना मटन खाना, क्योंकि ये वेट नहीं कर सकते ज़्यादा। तो अब हम लोग इन्जॉय करते हैं अपना ब्रंच, और आप भी इन्जॉय करिए हमारे ब्लॉग को प्लीज़। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। फिर मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग अवर चैनल। बाय बाय।